आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पेरेंट्स वर्सेस गे लव, आखिर क्या करना चाहिए, पेरेंट्स की सुने या फिर अपने दिल की सुने। जो अगर आप गे हैं तो आपको गे से शादी करनी चाहिए, एक लड़के से शादी करनी चाहिए, या सेम चीज़ अगर आप लेस्बियन हैं तो लड़की से, और लेस्बियन हैं तो लड़की से, और बाइसेक्सुअल वगैरह, मतलब अगर आप एलजीबीटी से हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो पे मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है सबके लिए, क्योंकि ये डिसीजन जो होता है ना, ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है किसी भी बंदे के लिए, अगर वो एलजीबीटी से आता है ना भी हो एलजीबीटी से, तब भी अगर वो स्टेट भी है ना, तब भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और इसकी इंपॉर्टेंस तब ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप एलजीबीटी से आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ का जो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कह सकते हैं कि टर्नओवर होने वाला, ये वीडियो टर्न ले सकता है ये डिसीजन, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि हर इंसान इसके बारे में सोचता ज़रूर है कभी ना कभी, और आगे वो कदम बढ़ाता है सही है गलत की तरफ, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई में ये करना सही होगा, या वो पेरेंट्स की बात सुनें या फिर होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करके अपना पार्टनर चुन के अलग रहें या आगे बढ़ें, क्या करना सही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच गाइस, फाइनली हमारे चैनल पे गे प्रेम पे 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे 5K हुए हैं तो आप भी तो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं ना, आप भी मैं और आप में कोई फ़र्क नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो मुझे आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे 5K फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं काफ़ी जल्दी, ठीक है। तो मुझे पता है कि 5K हुए हैं, अभी 10K नहीं हुए, एक्चुअली मुझे 10K का इंतजार है, बट कोई बात नहीं, मुझे ये भी पता है कि जल्दी 10K भी हो जाएंगे, ठीक है। खैर, थैंक यू सो मच यार, सच बोलूँ तो कभी कभी मैं इमोशनल होने लगता हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोग जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते ना, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता है गाइस, और मैं कई बार कमेंट पढ़ते पढ़ते बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ, फिर लगता है कि भाई थैंक यू सो मच जिन्होंने भी किया सब्सक्राइब, एंड बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, और मैं भी अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा कि हमें एलजीबीटी के लिए जो भी चीज़ें कर पाऊँ वो करूँ। खैर, चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि लव, गे लव यानी पेरेंट्स में से क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्या चुनना सही है। देखिए, हम एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे अपने होते हैं, ठीक है, वो हमारे अपने होते हैं, वो कभी भी ना अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे, ये चीज़ तो हमें पता है। एंड बच्चों को क्या चाहिए, पेरेंट्स उनके बिना कुछ बोले समझ जाते हैं और अपने बच्चों को वो चीज़ ला के दे देते हैं, और बच्चे भी हमेशा अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा, बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकें। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन क्या हो कि जब पेरेंट्स खुद ही अनजाने में ही सही अपने बच्चों के साथ गलत करने लगे। देखिए, हमें पता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कुछ करना चाहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अनजाने में अगर वो गलत कर देते हैं तो क्या वाकई में उसे लव कहा जा सकता है। देखिए, मैं आपको कह दूं कि अगर आप होमोसेक्सुअल या गे हैं ना, तब आपके साथ में ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप अपने घर वालों को बताते हैं कि मैं गे हूँ वगैरह हूँ, तो उस टाइम पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो आपसे कह सकते हैं कि तुम्हें लड़की से ही शादी करनी चाहिए। वो इस क्यों एक्सेप्ट नहीं करते आप लोगों को, सोच के देखिए, उनको पता है, उन्होंने या तो वो चीज़ें देखी होती हैं, मान लीजिए कि उनके मन में कोई गलत इमेज बनी हुई है गे को लेकर के, उनको लगता होगा कि गे जो होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, कुछ और होते हैं, या फिर जो गे होते हैं वो कुछ और समझ बैठते होंगे गे या लेस्बियन लोगों को, जो कि ऐसा है नहीं ना। तो उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें, और आप जितना मैं यही कहूँगा कि उनको प्लीज़ समझाइए, आपको कभी भी ना उनसे लड़ना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं, क्योंकि वो आपके अपने हैं, वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तो आप उनको समझाइए, जितना आप अच्छे से समझा सकते हैं उनको समझाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक होती हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी तरफ से पूरा अच्छे से समझाने की उनको, ठीक है। और फिर भी अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो आप मेरी बात सुनिए, आप एक बात समझिए कि अगर आप एक लड़की से शादी करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप एक लड़की से शादी करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ज़िंदगी भर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, ना सिर्फ उसकी बल्कि आपके, उसके घर वालों की, उसके पेरेंट्स की, आपकी वाइफ के पेरेंट्स की, या आपके हस्बैंड के पेरेंट्स की, यानी अगर आप एक लेस्बियन हैं और एक लड़के से कर लेती हैं तो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स की, और या उसकी जो भी फैमिली है उनकी, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ टाइम तक निभानी पड़ेगी। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो ठीक है, आपकी जो मर्ज़ी वो करिए, बट अगर आप ये तैयार नहीं हैं तो आप मेरी बात ध्यान से समझिए। प्रॉब्लम पता है कहाँ है, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, कहते हैं कि पेरेंट्स भगवान हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, और इसी तरह मानते हैं हमारे, ऑफकोर्स सब लोग इसी तरह मानते हैं कि हाँ पेरेंट्स जो होते हैं वो भगवान हैं, बट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं वो वाकई में भगवान हैं, या हमें ऐसा लगता है कि वो भगवान हैं? क्या वाकई में वो भगवान है? नहीं, वो कोई भगवान नहीं है ना, है तो वो इंसान ही, इसमें कोई डाउट नहीं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, बट हैं तो वो इंसान ही, भगवान तो नहीं है ना, बस
जब आप ये चीज़ समझ लेंगे ना, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो जब वो भगवान नहीं है तो हम क्यों हमेशा उनको भगवान बनाने की कोशिश करते रहें? हम क्यों अपनी पूरी ज़िंदगी इस दाव पर लगा देते हैं कि वो हमारे भगवान है और हमें उनकी उनके लिए सब कुछ करना है? ठीक है, अगर आपका दिल इतना बड़ा, आप इतना कुछ सोचते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, आप वाकई में उनको भगवान मानते हैं, तो फिर आप वो कहिए जो आप करना चाहते हैं। बट अगर आप वाकई में एक रियलिटी को देखना चाहते हैं, एक सच्चाई को देखना चाहते हैं कि वो वाकई में भगवान नहीं, इंसान है, नो डाउट कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी उनसे करते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, स्ट्रेट लोगों के लिए मैं कहूँगा, कि जैसे उन्होंने देखा कि कोई होमोसेक्सुअल है, वो किसी लड़के के चक्कर में आकर के उसके साथ रहने लगता है, पेरेंट्स को छोड़ देता है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो पेरेंट्स से प्यार नहीं करता। तो ऐसा नहीं कि वो पेरेंट्स से प्यार नहीं करता। मैंने बताया ना कि अगर पेरेंट्स अनजाने में ही सही, अगर गलत दुख होने लगे बच्चों को, अनजाने में इसे अपने बच्चों की ज़िंदगी में दुख देने लगे, तो वो वाकई में प्यार कहा जा सकता है क्या उसे? नहीं। तो इस चीज़ को समझिए कि वो इंसान है और उसको इंसान रहने दीजिए, उनको इंसान रहने दीजिए, भगवान मत बनाइए ज़बरदस्ती, क्योंकि अगर आप जब उनको भगवान बनाने लग जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप रियलिटी को समझिए, सच्चाई को समझिए, तब एक्शन कीजिए। खैर, तो ये तो चीज़ मैंने कह दी है कि अगर आप क्या कुछ कर सकते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन कैसे निकालें कि क्या करना चाहिए वाकई में? अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आप एक खाली जगह पर जाइए, नेचर, प्रकृति के पास जाइए, जहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो। वहाँ पर आप बैठिए, और अगर आपके यहाँ नदी तालाब जैसी कोई चीज़ें हैं ना, तो सबसे बेस्ट है आप वहाँ पर जाइए, पानी के पास में बैठेंगे तो आपका मन शांत रहेगा ज़्यादा। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो नेचर एरिया पर बैठिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह हों और शोर शराबा बिल्कुल ना हो। बैठिए वहाँ पर शांति से और अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कीजिए। आपको अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर देना है, मतलब सारी टेंशन को दूर भगा देना है। तब आपको क्या करना, अपने दिल से, आपके मन से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनना है। आपके मन से ध्यान दीजिएगा कि क्या आवाज़ आ रही है, शादी को लेकर के, आपके पेरेंट्स को लेकर के, या आपके उस ज़िंदगी को लेकर के जो ऊपर वाले ने आपको बनाया है, क्या चुनना चाहिए? ज़रा आप अपने आप से सवाल पूछिएगा वहाँ जा करके। आप ये पूछिए कि मुझे क्या वाकई में मेरे पेरेंट्स जैसा चाहते हैं कि मैं एक लड़की से शादी करूँ, अगर आप गए हैं तो मुझे वाकई में वो करना चाहिए? आप खुद से सवाल पूछिए, और अगर आपका जवाब हाँ आता है, और साथ ही अगर आप वीक फील करते हैं, मतलब आप एक ध्यान दीजिए कि आप सवाल पूछे कि मुझे क्या करना है, वो करना है जो पेरेंट्स चाहते हैं, या वो करना है वो जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है। आप ये दो सवाल पूछिए, और उसके दोनों के आपको पता है आंसर कभी भी सेम नहीं मिल सकते। आंसर जवाब आपको हाँ हाँ में ज़रूर मिल जाएंगे दोनों ही, लेकिन यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ होगी जो जिससे आप पता कर सकते हैं कि वाकई में क्या सही है क्या नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पर कि जो भी आपने अपने अंदर से सवाल पूछा है, जब उसका जवाब आपको मिलता है तो वो आपको स्ट्रांग बनाता है या वीक बनाता है? समझ गए आप लोग? फिर से बोल देता हूँ कि आपके अंदर से जब जवाब आएगा ना उस चीज़ का, जो आप सवाल पूछेंगे कि मैं पेरेंट्स की सुनूँ, पेरेंट्स जैसे चाहते उससे शादी करूँ, उसी के हिसाब से चलूँ, कि जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा मन करता है उसके हिसाब से चलूँ, तो आपके सामने जवाब हो सकता है दोनों के हाँ हाँ आ जाए, लेकिन ध्यान दीजिए कौन ज़्यादा स्ट्रांग के साथ आता है। अगर आपको सोचते हुए स्ट्रांग फील करते हैं तो वो आपको करना चाहिए, और वहीं पर अगर आप सोचते हुए उसी चीज़ को, डिसीजन को, कि हाँ मैं ये करूँगा, और अगर आप वीक फील करते हैं अंदर से, वीक महसूस होता है आपको, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपने मन से यानी परमात्मा से सवाल पूछते हैं और उसका जवाब हाँ हाँ में भले ही आप दे दें कि दोनों के जवाब हाँ है, लेकिन एक का जवाब होगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक का जवाब होगा वीक फीलिंग। अगर आपको उस आंसर से जो आपके मन के अंदर से आया उसको देख करके स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैं खुश हूँ, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है एक, तो आपका वो जवाब सही है। लेकिन वहीं पर आपको लगता है कि हाँ मैं ये करूँगा, लेकिन आपका अंतर्मन खुश नहीं है, या आप कमज़ोर फील करते हो, उसके सारे रह तो लूँगा मैं, लेकिन कमज़ोर फील करते हो, ठीक है, आपका अंतरात्मा खुश नहीं है उस चीज़ से, तो आपको नहीं करना चाहिए। आई होप मैंने कोशिश की है काफ़ी कुछ, एक्चुअली ना ये चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, सो मैंने कोशिश की, आई होप आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज़ समझ में आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा, एंड आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप भी अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो को, चलिए खत्म करते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए बाय बाय।